लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आज हम इस वीडियो में कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे पढ़ेंगे जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये इनमें से बहुत सी डेट्स को आप जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले, अभी अभी कुछ साल पहले हमारे देश में, हमारे भारत में नोटबंदी हुई थी, यानी डीमोनेटाइजेशन हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि उस दिन क्या तारीख थी जिस दिन नोटबंदी हुई थी। उस दिन था 8 नवंबर 2016। नोटबंदी में क्या हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था इस दिन कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। दूसरी तारीख, राम मंदिर फैसला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर के ऊपर जो विवाद था उसके ऊपर फैसला कब दिया गया। तो उसके ऊपर जो फैसला आया था वो आया था 9 नवंबर 2019। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर विवाद क्या था और राम मंदिर विवाद का जो फैसला आया था, यानी राम मंदिर के ऊपर जो फैसला दिया गया था वो कब आया था, उस दिन क्या तारीख थी। उस दिन थी 9 नवंबर 2019। फिर राम मंदिर से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम मंदिर शिलान्यास। राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया था वो तो आया था 9 नवंबर 2019। फिर राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, यानी भूमि पूजन कब हुआ था, वो हुआ था 5 अगस्त 2020। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर शिलान्यास हुआ था, यानी राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। फिर धारा 370 हटाई गई। धारा 370 कब हटाई गई, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि धारा 370 कब हटाई गई। ये हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को। अब आप कमेंट में बताइए कि धारा 370 किस राज्य में थी और इस धारा के साथ साथ और कौन सी धारा भी इसी दिन हटाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई थी। फिर कारगिल विजय दिवस, ये कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।